स्वागत है आपका न्यूज 14 में। मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है इस वक्त की टॉप 14 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 दिनों में चौथी बार बढ़ा पेट्रोल डीजल के दाम। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया गया था, जिसके बाद से बीते 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3.20 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। नवाब मलिक का इस्तीफा मांगने को लेकर ठाकरे ने साधा बीजेपी पर निशाना। पीडीपी के साथ गठबंधन की दिलाई याद। महाराज ठाकरे ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों को लेकर राज्य के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बीजेपी को याद दिलाया कि उसने पीडीपी के साथ सत्ता साझा की थी, जिसने आतंकवाद के दोषी अफजल गुरु का समर्थन किया था। सिर्फ दी कश्मीर फाइल्स ही नहीं, गुजरात फाइल्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि एक पत्रकार द्वारा गुजरात दंगों पर लिखी किताब दी कश्मीर फाइल जितना प्रचार किया जाना चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर फाइल से पहले पत्रकार राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स भी है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान के माता पिता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सती सालियान और वसंती सालियान ने राणे पिता और पुत्र पर अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों को लेकर फर्जी खबरें फैलाने तथा अपने परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पुतिन ने फेक न्यूज को लेकर बनाए नए कानून को दी मंजूरी, 15 साल तक की सजा का प्रावधान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फेक न्यूज से जुड़े एक कानून का औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस कानून के मुताबिक विदेश में अधिकारियों के कामकाज के बारे में फेक न्यूज फैलाने के दोषी पाए जाने वाले लोगों को 15 साल की जेल की सजा हो सकती है। यूक्रेन में जॉर्जिया के रास्ते सैनिक भेज रहा है रूस। केकेआर और चेन्नई सुपर किंग के बीच पहला मुकाबला आज। दोनों टीमें पिछले साल की फाइनलिस्ट हैं। दोनों ही टीमों के नए कप्तान हैं। चेन्नई के लिए पहली बार रविंद्र जडेजा कप्तानी करते नजर आएंगे, वहीं केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर पहली बार टॉस करने के लिए मैदान पर होंगे। बिहार में टीचर के 40,000 पदों पर भर्ती, 28 मार्च से आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राइमरी स्कूलों में हेड टीचर के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत हेड टीचरों के 40,506 रिक्त पदे भरे जाएंगे। रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, हुई ताबड़तोड़ बंपर ओपनिंग। न्यूज 14 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।